हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं IRCTC के गिरते हुए प्राइस में हमें कौन से लेवल में ख़रीदना चाहिए जिससे हमें अच्छा से अच्छा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख रहे हो परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट तो बुक कर ही सकते हो, अगर लॉस है तो आप एग्ज़िट भी कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों IRCTC के बारे में ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं आया है जिसके वजह से IRCTC को गिरना चाहिए। लेकिन दोस्तों एक ग्लोबल संकेत है दोस्तों, उसके वजह से IRCTC का प्राइस गिर रहा है, वो है दोस्तों टूरिज़्म का। जैसे कि अभी देख रहे हो कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा अभी एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है, जितने भी दोस्तों टूरिज़्म है उनको बंद कर दिया गया है, ठीक है, आना जाना बंद रखा है। इस वजह से दोस्तों IRCTC का जो है प्रॉब्लम बढ़ गया। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ इसका प्राइस क्यों गिर रहा है। सबसे पहले तो वो मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। IRCTC इतना बेस्ट मॉडल है, उसका प्राइस गिरना मतलब बहुत कम चांस है कि इसका प्राइस गिरे, ठीक है। इसका प्राइस इसलिए गिर रहा है कि दोस्तों IRCTC इन्वॉल्व है बस के टिकट्स में, और एयरपोर्ट मान लीजिए कि हवाई जहाज़ में आपको जाना है दोस्तों, तो वहाँ पर ये जो है टिकट ई टिकट है, ठीक है। और उसके बाद ट्रेन में भी इसका जो है ई टिकट का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो प्रॉब्लम ये है कि कोरोना वायरस की वजह से लोग घर से बाहर निकलना बंद कर दिए हैं। आप तो चाइना में ये भी देख सकते हो कि दोस्तों कोरोना वायरस की वजह से एडिशनल मौत कितना हो रहा है, ठीक है। तो उसके वजह से दोस्तों लोग घर छोड़ के बाहर नहीं जा रहे हैं, और इसका जो है टिकट फैसिलिटीज़ में बहुत कम जो है, मतलब जो भी गिरावट आएगा तो दोस्तों IRCTC को बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। पूछिए क्यों, क्योंकि ये जो सेक्टर है दोस्तों IRCTC, वो सारे सेक्टर में इन्वॉल्व है, चाहे बस हो, ट्रांसपोर्ट की जितना भी बेस्ट तरीका हो दोस्तों सब में ये इन्वॉल्व है, ठीक है। और दोस्तों कोरोना वायरस की वजह से हर एक जगह में बंद कर दिया गया है, एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है, जितने भी लोग बाहर जा वो भी बंद कर दिया गया है। अभी आप लोगों ने देखा था दोस्तों IRCTC ने एक नया ही ट्रेन लॉन्च किया, जो आप अमेरिका जा सकते हैं दोस्तों, बुर्ज खलीफा घूमने के लिए जा सकते हैं, और वही ट्रेन आपको जो है घुमा फिरा के आपको इंडिया ला के छोड़ देगी। लेकिन अगर देश से जाना ही आपको मतलब आप जाना आपको पॉसिबल नहीं है, आपको जाने के लिए प्रोहिबिटेड है, मना कर दिया जा रहा है, तो सोचिए आप नहीं जाओगे तो प्रॉब्लम किसको क्रिएट होगा, ये स्टॉक को, IRCTC को। तो दोस्तों जब तक ये कोरोना वाला प्रॉब्लम सही नहीं हो जाता तब तक ये स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे और डाउन ट्रेंड में चलता रहेगा। और देख सकते हो दोस्तों ये स्टॉक में जब देखो तो जब भी डाउनफॉल आता था तो बहुत कम, रेयर आते थे, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ, फर्स्ट टाइम इसने जो हाईएस्ट मारा था यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, 1500 का हाईएस्ट मारा था, 1573। उसके बाद से इसने गिरावट मारा दोस्तों 1348 रुपीज़, ठीक है, ये फर्स्ट गिरावट था। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए ये जो सेकंड गिरावट है 1600 को टच किया था, उसके बाद थोड़ा सा गिरा था, थोड़ा सा गिरा था, ठीक है, 1485। लेकिन दोस्तों उसके बाद जब इसमें हायर लेवल मारा 2000 को टच किया, तो उसके 2000 को टच करने के बाद इसमें देख सकते हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा जो है गिरावट आ चुका है, 1600 रुपीज़ तक ये चला जा चुका है, 400 का गिरावट। तो ये गिरावट बस उसी की वजह से है। तो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि IRCTC में क्या करना चाहिए और उनको स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए। देखिए दोस्तों बोल रहा हूँ, जिस दिन कोरोना का कोई मेडिसिन या वैक्सीन निकल गया तो उस दिन IRCTC में आपको अच्छा से अच्छा रिकवरी देखा जाएगा, और एक दिन में ही दोस्तों आपको कम से कम 50% का जो है, 50 या 40% का रिकवरी आपको देखते हुए मिलेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको IRCTC को अगर थोड़ा भी लोअर लेवल पे मिलता है तो दोस्तों आप खरीदारी कर लो, ठीक है। अभी 1700 के आसपास चल रहा है, 1700 के लेवल में ये जैसे ही टच करेगा, ठीक है, 1700 या 1600 के बीच में दोस्तों आप इसको बाय कर सकते हो, बिल्कुल बाय कर लीजिएगा, छोड़िएगा मत, ठीक है। क्योंकि हमें क्या खरीदना है ये सोच के हमें खरीदना चाहिए, कब खरीदना है ये सोच के खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें कंपनी का प्राइस नहीं, कंपनी का वैल्यूएशन देके खरीदना चाहिए, ठीक है। तो प्राइस तो हर एक मिनट में अप डाउन होता है, तो ये वजह था दोस्तों जिसके वजह से IRCTC को इंपैक्ट पड़ रहा है। नहीं तो आज के डेट में यहां पर देख सकते हो दोस्तों मार्केट पॉजिटिव था, बैंक निफ्टी निफ्टी में भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव था दोस्तों, पॉजिटिविटी था, लेकिन IRCTC में दोस्तों थोड़ा भी पॉजिटिविटी नहीं था। यहाँ पर देख सकते हो IRCTC ओपन कब हुआ था, 1717 अराउंड 1800 के आसपास ये ओपन हुआ था, और 1800 में ये गया था, हाईएस्ट मारा था, लोएस्ट मारा दोस्तों 1686 रुपीज़ का। मतलब IRCTC डाउन गया है, अपर साइड नहीं गया है, अप नहीं गया है दोस्तों, डाउन गया है, और फाइनली ये जो है दोस्तों उसी प्राइस के आसपास जो है ये क्लोजिंग दिया है। तो मैं बोलूँगा पेशेंस रखो,
हड़बड़ाइएगा मत, बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है और कंपनी में दोस्तों कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिससे आपको बेच के निकल जाना चाहिए, ठीक है। पेशेंस रखो, जिस दिन दोस्तों ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाएगा IRCTC में, आपको जो है ऑटोमेटिक पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जितने लोग हमारे वीडियोज़ देखते हैं उनको तो पता ही होगा दोस्तों, हमने IRCTC के बारे में जो है 800 के प्राइस पर ही आपको बताया था बाय करने के लिए, और आज के डेट में दोस्तों IRCTC 2000 को टच करके थोड़ा बहुत नीचे आया, तो आज के डेट में भी वो लॉस में नहीं प्रॉफिट में है। भले ही उनका थोड़ा बहुत प्रॉफिट डिक्रीज हो गया होगा, लेकिन ठीक है, पेशेंस रखो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशनल लगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाले और भी स्टॉक का इन्फॉर्मेशन आप तक ऐसे ही पहुँचते रहेगा।